प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 7 के लिए है। नई दीप मणिका संस्कृत पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में धातु रूप के पश्चात आज हम लोग शब्द रूप के बारे में जानेंगे। धातु रूप में हम लोगों ने 5 लकारों के बारे में जाना था, लट लकार, ड्रिट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधि लिंग। आज शब्द रूप में जानेंगे शब्द रूप और धातु रूप, इन दोनों के मिश्रण से ही वाक्य का निर्माण होता है। तो शब्दों को जानना अनिवार्य है। जो कारक के 8 भेद होते हैं, उन 8 भेदों के यह शब्द तालिका के रूप में लिखे जाते हैं। कारक को यहाँ विभक्ति के नाम से जाना जाता है। काम को करने वाला कर्ता कहलाता है, जो प्रथम विभक्ति के नाम से जिसे जानते हैं। कर्ता का क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वह बीज का शब्द होता है और उसे कर्म कारक कहते हैं, जिसे द्वितीय विभक्ति के नाम से जानते हैं। कर्ता जिस माध्यम से काम को करता है वह करण कारक कहलाता है, उसे तृतीय विभक्ति के नाम से जानते हैं। कर्ता जिसे कुछ देता है या जिसके लिए कोई कार्य करता है उसे चतुर्थी विभक्ति के नाम से जानते हैं, वह संप्रदान कारक होता है। और कर्ता जिससे अलग होता है, चाहे वस्तु हो, व्यक्ति हो या स्थान हो, जिससे अलग होता है उसके साथ उसके वियोग की स्थिति उत्पन्न होती है, तो जिससे अलग होता है उसके साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। कर्ता का किसी अन्य के साथ संबंध दर्शाया जाता है, तो वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, उसका दूसरे वस्तु व्यक्ति स्थान के साथ जब संबंध दर्शाया जाता है तो उसे संबंध कारक कहते हैं और उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्ता जिस कार्य क्षेत्र में रहकर काम करता है तथा जिस स्थान पर उसके उपस्थित होने की स्थिति का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं और उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जब किसी को बुलाने या पुकारने के लिए हे भो अरे चिन्ह का शब्दांश का प्रयोग करते हैं, उसके बाद उसका नाम लेते हैं और तब संबोधन चिन्ह लगाते हैं। किसी को बुलाने पुकारने के लिए जब इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है तो वैसे स्थिति में वाक्य के आरंभ में या संबोधन के चिन्ह के साथ में होता है, तो इसे संबोधन कारक कहते हैं। तो संज्ञा शब्दों में संबोधन कारक होता है, सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर नाम नहीं होता है, इसमें सभी में नाम है, संबोधन इसमें नहीं है। तत् में तत्, एतत्, इदम्, अस्मद्, युष्मद् यह सभी सर्वनाम के शब्द हैं, इसमें प्रथमा से सप्तमी विभक्ति तक का ही शब्द रूप होता है। तो कारक के इन शब्दों को एक तालिका रूप में सजाया गया है जिसे हम लोग शब्द रूप के नाम से जानते हैं। तो अकारांत व अ से अंत होने वाला अकारांत पुल्लिंग कहते हैं, आ से अंत होने वाले शब्द को आकारांत और जो स्त्रीलिंग का होता है उसे आकारांत स्त्रीलिंग कहते हैं। अ से अंत होने वाला जो पुरुष जाति का बोध कराता है उसे अकारांत पुल्लिंग कहते हैं। ई से अंत होने वाला शब्द जब पुल्लिंग जाति को बोध कराता है तो उसे ईकारांत पुल्लिंग कहते हैं। ई से शब्द होने वाला शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराता है उसे स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं, ईकारांत स्त्रीलिंग। दीर्घ ईकारांत, ईकारांत, ईकारांत स्त्रीलिंग, यहाँ पर दीर्घ ई की मात्रा होती है और यह ईकारांत स्त्रीलिंग होता है और स्त्री जाति का बोध कराते हैं। रीकारांत पुल्लिंग, जो री से अंत होने वाला शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराता है उसे रीकारांत कहते हैं, जैसे पिता, पितृ। रीकारांत शब्द जब स्त्री जाति का बोध कराते हैं तो उसे रीकारांत स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे मातृ। उसके बाद है तत् पुल्लिंग, यानी जिसमें सतौते होता है। तत् नपुंसक लिंग, इसमें तत्ते तानी के बाद तृतीया से सप्तमी तक इसका प्रयोग किया जाता है। तत् स्त्रीलिंग इसी की तरह है, यह थोड़ा भिन्न है इससे, जहाँ पर सात होते होता है वहाँ सात एता होता है,
और यह तत् स्त्रीलिंग का रूप है। उसके बाद अस्मद युष्मद, तत् पुल्लिंग, तत् नपुंसक लिंग, तत् स्त्रीलिंग को प्रथम पुरुष में रखते हैं, और अस्मद उत्तम पुरुष का शब्द होता है, युष्मद मध्यम पुरुष का शब्द होता है, अहम आवाम व्यम की पूरी तालिका है, और यहाँ पर तम युवाम व्यम की पूरी तालिका है। 21 शब्दों का यह सारणी होती है जिसे शब्द रूप कहते हैं। तो औकारांत से शुरू करते हैं। इसमें इस तरह के तरफ के फॉर्मेट को लिख लेंगे, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। इसके बाद ऊपर में लिखते हैं एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, जितनी भी तालिका बनाते हैं सब में यह सारा इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। उसके बाद शब्द रूप लिख करके उसके नीचे में जो शब्द रूप, जिसका शब्द रूप लिख रहे हैं उसे लिखते हैं। राम जैसे है वह कौन सा शब्द है, किस प्रकार का शब्द है, तो अकारांत पुल्लिंग, और तब उसकी तालिका बनाते हैं। प्रथमा विभक्ति रामः, रामो, रामाः। द्वितीया विभक्ति में रामम, रामो, रामान। तृतीया विभक्ति में रामेण, यहाँ पर एण की मात्रा लगाई गई है रो के कारण से। हाँ, द्वितीया विभक्ति में यह नियम लागू नहीं होता है, इसलिए आन है, ध्यान देंगे, लेकिन यहाँ पर लागू होता है। रामेण, रामाभ्याम, रामय। चतुर्थी विभक्ति रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य। पंचमी विभक्ति रामात, रामाभ्याम, रामेभ्य। षष्ठी विभक्ति रामस्य, राम्यो, रामाणाम, यहाँ पर भी होगा, षष्ठी विभक्ति में भी होता है आणाम, तो ण का प्रयोग किया जाता है दो जगहों पर, तृतीया विभक्ति में एक वचन में और षष्ठी विभक्ति बहुवचन में। रामे, राम्यो, रामेशु, हे राम, हे रामो, हे रामा, जब कर्ता कारक के रूप में प्रयोग करते हैं तो रामः, रामो, रामाः का प्रयोग करते हैं। कर्म कारक के रूप में मध्य में प्रयोग करते हैं रामम, रामो, रामान, और जब साधन के रूप में प्रयोग करते हैं रामेन, रामाभ्याम, रामय, और चतुर्थी विभक्ति के रूप में यानी संप्रदान कारक के रूप में रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य। पंचमी विभक्ति के रूप में रामात, रामाभ्याम, रामेभ्य। षष्ठी विभक्ति के रूप में जब संबंध कारक के रूप में रामस्य, राम्यो, रामाणाम, और सप्तमी विभक्ति के रूप में रामे, राम्यो, रामेशु। संबोधन में हे राम, हे रामो, हे रामा। इसके बाद रमा है, रमा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। प्रथमा विभक्ति रमा, रमे, रमाः। द्वितीया विभक्ति रमाम, रमे, रमाः। तृतीया विभक्ति रम्या, रमाभ्याम, रमाभिः। चतुर्थी विभक्ति रमायै, रमाभ्याम, रमाभ्यः। पंचमी विभक्ति रमाया, रमाभ्याम, रमाभ्य। षष्ठी विभक्ति रमाया, रम्यो, रमाणाम। सप्तमी विभक्ति रमायाम, रम्यो, रमासु। संबोधन में रमे शब्द को रिपीट करते हैं एक वचन में भी, हे रमे, हे रमे, हे रमा, इस प्रकार से होगा। इसमें एक जगह पर आणाम की मात्रा लगी है रमाणाम, और बाकी में नहीं होता है, क्योंकि नौ ज़्यादातर जगह नहीं आता, एक जगह में नाम आता है, इसलिए नाम की जगह नाम का प्रयोग किया जाता है। आगे है ई कारांत स्त्रीलिंग कवि, कवि पुल्लिंग शब्द है, उसमें लगता है कवि, कवि, कव्या, ध्यान देंगे उच्चारण में, कवि कम बल पड़ता है, यहाँ कवि पर ज़्यादा बल पड़ता है, कवि, कवि, कव्या, कविम, कवि, कवीन, इस प्रकार से बोलते हैं कवि और कवीन, कविम, कवि, कवीन, कविना, सिंपल में है कविना, इना, कविना, कविभ्याम, कविभि, इना, इभ्याम, इभि, कविना, कविभ्याम, कविभि, कविये, कविभ्याम, कविभ्य, कवे, कविभ्याम, कविभ्य, कवे, कव्यो, कवीनाम, कवौ, कव्यो, कविसु, हे कवे, हे कवि, हे कव्या। पुरुष के अनुसार से ध्यान देंगे, प्रथमा विभक्ति कवि, कवि, कव्या। द्वितीया विभक्ति कविम, कवि, कवीन, कवि, कवीन। तृतीया विभक्ति कविना, कविभ्याम, कविभि। चतुर्थी विभक्ति कवि, कव्येह, हाँ, कविये, हाँ, चतुर्थी विभक्ति में कविये है, कविभ्याम, कविभ्य। पंचमी विभक्ति कवे, यहाँ पर
ह का उच्चारण है, यहाँ पर ह का उच्चारण नहीं होगा, कव्ये यहाँ पर कवे, और षष्ठीभक्ति में भी कवे होता है, दोनों में समान होता है इसका एक वचन। पंचमी विभक्ति में कवे कविभ्याम कविभ्या, षष्ठीभक्ति कवे कव्यो ओ ह का उच्चारण कव्यो कवीनाम ई नाम कवौ कव्यो कविसु हे कवे हे कवि हे कव्या यथा ई कारांत स्त्रीलिंग रूप। और ई कारांत में आएगा स्त्रीलिंग रूप, पुल्लिंग रूप था या कवि कवि कव्या कविम कवि कवीन कविना कविभ्याम कविभि कविये कविभ्याम कविभ्या कवे कविभ्याम कविभ्या कवे कव्यो कवीनाम कवौ कव्यो कविसु हे कवे हे कवि हे कव्य। यह आपके लिए नया है, इसे जितनी बार हो सके रिपीट करेंगे आपके लिए, यह वीडियो को सुने बार बार, रिपीट मैंने करके बतलाया है। इसी प्रकार से मति को भी रिपीट करेंगे, वैसे ही है, ज़्यादा अंतर नहीं है इसमें, थोड़ा बहुत का अंतर है, जैसे इन के जगह में ई है और बाकी सब में लगभग बराबर हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पर हर्षिकार है, यहाँ पर दीर्घिकार है, थोड़ा बहुत अंतर है। मते मती मत्या, प्रथमा विभक्ति में मते मती मत्या, द्वितीय विभक्ति में मतिम मती मती, मतीन था यहाँ कवीन था, यहाँ पर मती मतिम मती मती, मत्या कविना था, मत्या अंतर है, मत्या मतिभ्याम मतिभि, मतीय लेते हैं अगर दूसरा लेंगे तो मते मते कहेंगे, अगर मत्यय कहेंगे तो मत्याह मत्या। यह आकारांत के अनुसार से इसका प्रयोग यहाँ पर किया गया है, मत्यय 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 कहेंगे तो मत्याह मत्या, उल्टा पुल्टा ना कहेंगे, इसके सामने का मत्यय मतिभ्याम मतिभ्या, मत्याह मतिभ्याम मतिभ्या, मत्याह मत्यो मतीनाम, या अगर मतिये कहेंगे, मतिया नहीं कह के मतिये, दोनों का उच्चारण लगभग मिलता जुलता है लेकिन एक नहीं है, मत्यय और मतिये, मतिये मतिभ्याम मतिभ्या, मते मतिभ्याम मतिभ्या, मते मत्यो मतीनाम। तो इधर के उच्चारण में इधर का ही तीनों शब्द को लेंगे। फिर है मत्याम मत्योह मतीसु, या मतौ मत्योह मतीसु, हे मते हे मती हे मत्या, इस प्रकार से लिखेंगे। नदी ई कारांत स्त्रीलिंग रूप, नदी नद्यौ नद्यः, नदीम नदी नद्यौ नद्यः, नदीम नदीम नद्यौ नदी, मति की तरह नदी, नदीम नद्यौ नदी, नद्या नदीभ्याम नदीभि, नद्यय नदीभ्याम नदीभ्य, नद्याह नदीभ्याम नदीभ्य, नद्याह नद्यो नदीनाम, नद्याम नद्यो नदीसु, हे नदी हर्षिकार, हे नदी हे नद्यो हे नद्या। पुरुष के अनुसार से प्रथमा विभक्ति नदी नद्यो नद्या, द्वितीय विभक्ति नदीम नद्यो नदी नद्यो नद्या, द्वितीय विभक्ति नदीम नदीम नद्यो नदी, तृतीय विभक्ति नद्याह नदीभ्याम नदीभि, चतुर्थी विभक्ति नद्यय नदीभ्याम नदीभ्य, पंचमी विभक्ति में नद्याह नदीभ्याम नदीभ्य, षष्ठी विभक्ति में नद्याह नद्यो नदीनाम, सप्तमी विभक्ति नद्याम नद्यो नदीसु, संबोधन में हे नदी हे नद्यो हे नद्या, इस अनुसार से नदी का रूप होगा। फिर है इसमें यह सारी चीज़ें याद करने की हैं, इकारांत पुल्लिंग, इकारांत स्त्रीलिंग, दीर्घिकारांत स्त्रीलिंग रूप, यह सब आपके सातवीं कक्षा के सिलेबस का है, और अकारांत और आकारांत यह रिपीटेड है, पहले भी था। फिर है ऋकारांत में पिता पितरौ पितरः,
ऋकारांत है, लेकिन यहाँ पर शब्द पिता होता है। पिता, पितरौ, पितरः, पितरम, पितरौ, पितृर्ण, यहाँ पर ऋण, पितरम, पितरौ, पितृर्ण, पित्रा, पितृभ्याम, पितृभिः, पित्रे, पित्रे, पितृभ्याम, पितृभ्यः, पितुः, पितृभ्याम, पितृभ्यः, पितुः, पितुः पंचमी और इसमें भी पितुः, पितुः, पित्रोः, पितृर्णाम, यहाँ पर ऋण कहेंगे, पितृर्ण जैसे यहाँ पर कहा था, यहाँ पर वैसे ही पितृर्णाम ऋण का उच्चारण होगा, डबल ऋ है, तो पितुः, पित्रोः, पितृर्णाम, पितरी हर्षिकार, पितरी, पित्रोः, पितृषु, हे पिता, हे पितरो, हे पितरः, इस अनुसार से पिता का ऋकारांत हो जाएगा। प्रथमा विभक्ति में पिता, पितरो, पितरः, द्वितीय विभक्ति में पितरम, पितरो, पितृर्ण, तृतीय विभक्ति में पित्रा, पितृभ्याम, पितृभिः, चतुर्थी विभक्ति में पितरे, पितृभ्याम, पितृभ्यः, पंचमी विभक्ति में पितुः, पितृभ्याम, पितृभ्यः, षष्ठी में पितुः, पित्रोः, पितृर्णाम, सप्तमी में पितरी, पितरी, पित्रोः, पितृषु, संबोधन में हे पिता, हे पित्रो, हे पितरः, माता भी उसी अनुसार से होता है। ऋकारांत में थोड़ा अंतर है, यहाँ पर ऋण होता था जैसे इन, वहाँ पर ऋ है और बाकी सब में लगभग बराबर है। माता, मातरो, मातरः, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति में मातरम, मातरो, मातृरः, मातृरः, यहाँ पर ऋण कहते हैं। तृतीय विभक्ति में मात्रा, मातृभ्याम, मातृभिः, चतुर्थी विभक्ति में मातृ, मातृभ्याम, मातृभ्यः, पंचमी विभक्ति में मातुः, मातृभ्याम, मातृभ्यः, षष्ठी विभक्ति में मातुः, मात्रोः, मातृर्णाम, सप्तमी विभक्ति में मातरी, मात्रोः, मातृषु, संबोधन में हे माता, हे मात्रो, हे मात्रः, इस अनुसार से होगा। या माता का शब्द ऋकारांत स्त्रीलिंग में। अब इसके बाद है तत्पुल्लिंग। तत्पुल्लिंग में सह तौ ते का रूप आता है। प्रथमा विभक्ति में सह तौ ते, द्वितीय विभक्ति में कर्मकारक में तम तौ तान, तृतीय विभक्ति करणकारक में तेन, मतलब उसके द्वारा, द्वारा के अर्थ में तेन ताभ्याम तह, चतुर्थी विभक्ति उसके लिए तस्मय ताभ्याम तेभ्य, उसके, उसे यानी उससे अलग होकर, तो तस्मात ताभ्याम तेभ्य, उसका कहते हैं तस्य तयो तेषाम, सप्तमी विभक्ति उसमें तस्मिन तयो तेसु, इस प्रकार से तत्पुल्लिंग का रूप बनता है। ठीक है, और इसी के अनुसार से प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में नपुंसक लिंग में तत, ते, तानी और तत, ते, तानी, वह, वे दोनों, वे सब का प्रयोग दोनों विभक्ति में होता है। और तृतीय से सप्तमी तक सेम रिपीट हो जाएगा यह सब। तेन ताभ्याम तय, यहाँ पर नीचे लिखाएगा तस्मय ताभ्याम तेभ्य, चतुर्थी में, फिर पंचमी में तस्मात ताभ्याम तेभ्य, षष्ठी में तस्य तयो तेषाम और तस्मिन तयो तेषु, तब नपुंसक लिंग का सारा रूप फिनिश्ड हो जाएगा। इसके बाद आता है तत् स्त्रीलिंग रूप आया है। इसमें सा, ते, ता, वह, वे दोनों, वे सब के लिए सा, ते, ता का प्रयोग करते हैं। कर्मकारक में द्वितीय विभक्ति में ताम, ते, ता, तृतीय विभक्ति में तया, ताभ्याम, ताभिः, चतुर्थी विभक्ति में तस्य, ताभ्याम, ताभ्यः, यहाँ पर तस्मय था, यहाँ तस्य है, तस्य, ताभ्याम, ताभ्यः, पंचमी विभक्ति में तस्याः, ताभ्याम, ताभ्यः, षष्ठी विभक्ति में भी तस्याः होता है, तस्याः, तयोः, तासाम, दंत स्व, यहाँ पर मूर्धन्य स्व, तासाम, सप्तमी विभक्ति में तस्याम, तयोः, तासु, इस प्रकार से तत् स्त्रीलिंग। इसके बाद अस्मद् युष्मद्, या तीनों लिंगों में यानी सभी लिंगों में यह बराबर होता है, तीनों लिंगों में एक ही शब्द होता है, इसलिए यहाँ पर जैसे
पुल्लिंग स्त्री नपुंसक लिंग है, वैसा इस दोनों में नहीं होता है। तो अस्मत का रूप है अहम आवाम व्यम मैं, हम दोनों हम सब के अर्थ में कारक की कारक के विभिन्न स्थितियां। प्रथमा विभक्ति अहम आवाम व्यम, द्वितीय व्यक्ति में माम आवाम अस्मान, तृतीय व्यक्ति मया आवाभ्याम अस्माभि, चतुर्थी व्यक्ति मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, पंचमी व्यक्ति में मत आवाभ्याम अस्मत, षष्ठी व्यक्ति मम आवयोः अस्माकम्, सप्तमी व्यक्ति मयि आवयोः अस्मासु। इस प्रकार से होगा। इसमें हम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभि, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मत आवाभ्याम अस्मत, मम आवयोः अस्माकम् और मयि आवयोः अस्मासु। अस्मद रूप यह उत्तम पुरुष का शब्द होता है और कर्ता में यह उत्तम पुरुष होता है, लेकिन बाकी सब कारक में बीच में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर युष्मद रूप मध्यम पुरुष का शब्द जो त्वम युवाम युयम होता है उसकी उसका शब्द रूप है यह। प्रथमा व्यक्ति में त्वम युवाम युयम, द्वितीय व्यक्ति में त्वाम युवाम युष्मान, माम आवाम आसमान की तरह त्वाम युवाम युष्मान ध्वनि मिलता है। तृतीय व्यक्ति में त्वया युवाभ्याम युष्माभि, मया आवाभ्याम अस्माभि की तरह त्वया युवाभ्याम युष्माभि। चतुर्थी व्यक्ति में तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम की तरह तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम। फिर मत आवयो अस्माकम की तरह होगा त्वत यु मत मत आवाभ्याम अस्मत की तरह इसमें होगा त्वत युवाभ्याम युष्मत। षष्ठी व्यक्ति तब युवयो युष्माकम, मम आवयो अस्माकम की तरह तब युवयो युष्माकम, थोड़ा थोड़ा अंतर है। सप्तमी व्यक्ति में त्वयि युवयो युष्मासु, या त्वम युवाम युयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभि, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, त्वत युवाभ्याम युष्मत, तब युवयो युष्माकम, त्वयि युवयो युष्मासु। यहाँ पर ध्यान रखेंगे इसमें संबोधन नहीं होता है किसी में भी, और इस प्रकार से सर्वनाम के शब्द रूप भी होते हैं। आपके सिलेबस में मूल रूप से यह सभी है, और इसके अलावे जो है वह शब्द रूप है वह आपको आगे अलग से बता दूंगा। उसमें उकारांत भी आता है, तो उसमें साधु होता है, साधु उकारांत में आता है। हाँ, और यह सब इस जितना इसमें दिया हुआ यह आपके लिए पर्याप्त है। आप इसे पहले याद करें और जो बाकी होगा वह अलग से मैं आपको इसमें भेज दूंगा। ठीक है, तो जो यहाँ पर दिया है उसे पढ़ेंगे और उसे ध्यान से सुनेंगे। अपने सुविधा के अनुसार से इस वीडियो को रिपीट करें, सुने और बोलने का साथ में बोलने का प्रयास करेंगे और सभी को बोलेंगे, सही उच्चारण करेंगे और उसे सही रूप से लिखेंगे, तो आपको यह अच्छी तरह याद हो जाएगा। और यह आगामी परीक्षाओं में शब्द रूप पूछा जाता है और यह 4 से 5 नंबर का रहता है, तो इसलिए ध्यान देंगे। यह लिखना अनिवार्य होता है, इसलिए इसे याद करेंगे। बाद में धातु रूप था जो पहले मैंने बनाया था, धातु रूप है और शब्द रूप, शब्द रूप और धातु रूप के मिलने से ही वाक्य बनता है। जैसे कहते हैं कि वह पढ़ता है, तो वह पढ़ता है के लिए सर्वनाम का शब्द लेंगे सह, हाँ, तौ ते इसका प्रयोग करते हैं, और अगर कहेंगे वह पढ़ती है तो साते ताह में से प्रयोग करते हैं। कहते हैं मैं पढ़ता हूँ, उसमें अहम आवाम व्यम में से अहम का प्रयोग करेंगे। तो पहला रूप का प्रयोग होता है वह के लिए, वह पुल्लिंग के लिए, यहाँ पहला रूप स्त्रीलिंग के लिए, पहला रूप मैं के लिए, मैं पढ़ता हूँ। अगर कहेंगे तुम पढ़ते हो तो त्वम, यह पहला रूप यहाँ का होगा। इस प्रकार से वाक्य में चुनते हैं, कर्ता के रूप में, कर्म के रूप में चुनते हैं, करण के रूप में चुनते हैं, संप्रदान आपादान संबंध अधिकरण के लिए सर्वनाम में भी चुनते हैं, और संबोधन सिर्फ जो है वह यहाँ पर संज्ञा शब्द रूप में होता है, यानी संज्ञा शब्द रूप में जो नाम वाले शब्द हैं उसमें संबोधन होता है। उसमें उसके अनुसार से कारक विभक्तियों को
संक्षेप में मैंने यहाँ बताया था, इसे आप रिपीट करेंगे, इन परिभाषाओं को ध्यान में रखेंगे, शब्दों को ध्यान में रखेंगे, याद रहेगा। और यह 21 शब्दों की तालिका को अच्छी तरह से याद करेंगे, कम से कम 21 शब्दों की है, हाँ 7 लाइन है और इसमें 3-3 शब्द हैं, यह एक्स्ट्रा है संबोधन, और इसको जोड़ करके अगर जोड़ेंगे तो 24 हो जाता है, तो लेकिन वह हाँ इसे छोड़ करके मैंने 21 शब्द का कहा, 21 शब्द मूल रूप होता है और इसे याद करेंगे, ठीक है, धन्यवाद।